दोस्तों आज मैं आपको देने वाला हूँ पांच डिजाइन, बैनर की डिजाइन मैं आपको आज देने वाला हूँ एकदम फ्री में। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और ये PhD फाइल है दोस्तों, इसे आप फोटोशॉप में चला सकते हो, बाकी कौन से सॉफ्टवेयर में आप इसे नहीं चला सकते, सिर्फ फोटोशॉप में आप इसे चला सकते हो। PhD फाइल है बैनर के डिजाइन, इस बैनर ये बैनर बर्थडे के बैनर है, बर्थडे के बैनर को जिसे आपको विश करना हो तो इस कौन से भी एक फाइल को आप ओपन करके इस बैनर डिजाइन को आप एडिट कर सकते हो। आप किसी का नाम डालना चाहते हो तो इसका नाम आप डाल सकते हो और नीचे आपका नाम डालकर बैनर की डिजाइन आप बना सकते हो। फोटो के इसमें जो फोटो है उस फोटो की जगह आप दूसरे भी फोटो डाल सकते हो, सिर्फ आपको लेयर पे ध्यान रखना होगा, इस लेयर फोटो की लेयर कौन सी है, टेक्स्ट की लेयर कौन सी है, तो ये सब मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात बोलता हूँ, इस फाइल को आप जब डाउनलोड करोगे आप इसे तब इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करोगे तब उस आपके सामने ये पासवर्ड मांगेगा और इसका पासवर्ड मैं आगे आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो इन तक देखो तब आपको सब समझ में आएगा इसे कैसे एडिट करते हो और कैसे इसे चलाते हो, कैसे आप बैनर की डिजाइन बना सकते हो बहुत ही आसानी से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम UR देशमुख और स्वागत है आपका हिंदी डिजिटल मंटा इस चैनल पर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब इसे कैसे डाउनलोड करते हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ गूगल ब्राउज़र। तो दोस्तों ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो दोस्तों ये फाइल है, हैप्पी बर्थडे बैनर डिजाइन। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। ये देखो दोस्तों ये डाउनलोड हो रही है, 80 MB की फाइल है दोस्तों ये। तो इसे मैं डेस्कटॉप पर लेता हूँ। तो दोस्तों ये फाइल है, अब इसे एक्सट्रैक्ट हेयर करना है तो यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको आपको एक्सट्रैक्ट हेयर करना है। अब एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो इसका पासवर्ड मैं दोस्तों अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसका पासवर्ड है कैपिटल में, पूरा पासवर्ड कैपिटल में यहाँ पर डालना है आपको HINDAVI हिंदवी DIJGITAL डिजिटल 0885 ये इसका पासवर्ड है। अब यहाँ पर आपको इसको ओके करना है, बिना पासवर्ड का ये फाइल ओपन नहीं होगा, इसको पासवर्ड की ज़रूरत है, पासपोर्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अब ये फाइल आपके सामने आ गई। तो दोस्तों इस फाइल को आपको डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद ये पांच बैनर के डिज़ाइन आपके सामने आएंगे। तो पहला फोल्डर है ये देखो दोस्तों, ये मराठी में
नाम डाले वाले आप इसे हिंदी में, आपके पास फंड है तो आप हिंदी में कर सकते हो। ये मेरे श्रीलिपि के फंड है, श्रीलिपि का फंड मैं यूज करता हूँ, तो इसे आप एक और ये दूसरा फोल्डर ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको ये फोटो चेंज करना है। ये फोटो आपको चेंज करना हो तो ये फोटो आप चेंज कर सकते हो, ये भी फोटो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर नाम डाल सकते हो, यहाँ पर फ्लावर डाल सकते हो, और ये नाम जो जो व्यक्ति का ये नाम भाऊ नाम होगा तो ये भाऊ नाम रख सकते हो आप। यहाँ पर आपको लोगो डाल सकते हो, आपके आपके दुकान का जो लोगो है वो लोगो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और ये तीसरी नंबर की फाइल है, ये देखो छोटे बच्चे का ये जन्मदिन का ये बैनर है, मैंने 10 दिसंबर को मैंने इसको बनाया था, जय सिंह नाम है इसका, जय सिंह। और यहाँ पर आप फोटो डाल सकते हो, तीन फोटो यहाँ पर बैठते हैं और एक फोटो यहाँ पर बैठता है, और इसका ये मराठी में इसका डायलॉग है, शेर शायरी। और ये शुभिच्छुक ये नाम आप डाल सकते हो, यहाँ पर लोगो डाल सकते हो। और चौथे नंबर का ये डिजाइन है दोस्तों, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर आप जैसी चाहे वैसे फोटो डाल सकते हो, यहाँ पर फोटो डाल सकते हो, इधर भी फोटो डाल सकते हो, और यहाँ पर नाम डाल सकते हो, ये नाम डाल सकते हो, यहाँ पर ये डब्बे में फोटो डाल सकते हो, यहाँ पर फोटो डाल सकते हो, इधर एक फोटो डाल सकते हो। तो ये पांचवी डिजाइन है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ बर्थडे बॉय का फोटो है, बाकी किसी का फोटो नहीं। आपने दुकान का लोगो यहाँ पर डालना है, सिर्फ आपकी तरफ से जो किसी को शुभकामनाएं देने हो, आपकी तरफ से किसी को विश करना हो तो यहाँ पर आप लोगो डालकर कर सकते हो। तो ये पांच डिजाइन है दोस्तों, तो इस डिजाइन को आपको एडिट करना हो तो यहाँ पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप सीसी 2018 है मेरे पास, इसमें मैं ओपन करने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों, ये फाइल मेरे पास ओपन हो गई है। और यहाँ पर क्या है, ये देखो, ये लेयर, ये बैकग्राउंड के लेयर है, ये फोटो के लेयर है, और ये टेक्स्ट की लेयर है, टेक्स्ट ये एक लेयर, और ये लेंस की लेयर इसमें से टेक्स्ट के अंदर लेंस की लेयर है, एक टेक्स्ट है श्री नाम का, ये टेक्स्ट है 12 दिसंबर, एक टेक्स है इसमें, ये लेयर में मैंने डाला है, इस लेयर में ये सब टेक्स आपको देखेंगे। ये देखो, ये सब टेक्स है। अब ये यहाँ पर एक टेक्स था, नाम था, यहाँ पर हो गया। ये देखो, यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पर आप कौन सा भी, आपके पास फंड नहीं है, इस मेरे लैपटॉप में वो फंड नहीं है, मेरे पीसी में फंड है, तो इसके वजह से ये आता है, तो इसके ओके करना है। और ये देखो, ये फंड नहीं है तो इसके वजह से आप ऐसा आएगा, आपके पास फंड होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास श्रीलिपि के फंड है, और यहाँ पर फोटो डाल सकते हो आप, और यहाँ पर बर्थडे बॉय का फोटो डाल सकते हो, यहाँ पर लेंस लगाई हुई है मैंने। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, इसे कैसे डाउनलोड करते हो, कैसे इसे ओपन करते हो। एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद इसको पासपोर्ट मैंने आपको दिया है, आप पासपोर्ट लिख कर ले लो, और एक्सट्रैक्ट हेयर करने के बाद आपको पासपोर्ट यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है। आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये ओपन नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपने देखा है सब
इसे कैसे एडिट करते हैं और इसे कैसे आप कौन सा फोटो आपको जो डालना है वो कैसे डालते हैं, कौन से लेयर पे कौन सा लेयर पे आप टेक्स्ट कौन टेक्स्ट की लेयर आप देख सकते हैं। आपको मैंने दिखाया है टेक्स्ट की लेयर कहाँ पे और फोटो की लेयर बैकग्राउंड लेयर सब आप मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों इस वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस वीडियो के बारे में आपको कुछ बोलना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, बोल सकते हो। और मेरे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि मेरे नए वीडियो आपको देखने को मिले। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद।